चिलचिलाती धूप है और आप तपते रेगिस्तान से निकल रहे हैं। आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं है। आप बारिश की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन बादल कहीं भी नहीं दिख रहा है। हर कदम के साथ आपकी एनर्जी खत्म हो रही है और आप गिर जाते हैं। तभी कुछ दूर एक तालाब नजर आता है। ये सच में पानी है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन? आपके पैर जवाब दे चुके हैं और इसलिए अब आप चल नहीं पा रहे बल्कि रेंग रहे हैं। आप पानी के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं बल्कि पानी ही आपके पास आ रहा है। कुछ ही मिनटों में तालाब और फैल जाता है। आप अब पानी में हैं। रेगिस्तान में अचानक 60 फीट गहरी झील बन गई। ये एक सच्ची घटना है और 2014 में ट्यूनीशिया के रेगिस्तान में अचानक घटी थी। कोई नहीं जानता कि ये झील किस दिन बन गई, क्योंकि ट्यूनीशिया के इस साउथ पार्ट की पॉपुलेशन बहुत कम थी। पहले तो वहां से गुजर रहे चरवाहों ने झील को देखा और अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला, सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़ते हुए यहाँ पहुँच गए। जिनसे नहीं रहा गया वे तैरने लगे। वे आसपास की चट्टानों पर चढ़कर पानी में कूदने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद झील के साथ कुछ अजीब हुआ। शुरुआत में इसका रंग एकदम क्रिस्टल क्लियर फिरोजी नीला था, लेकिन बाद में ये गहरा हरा हो गया। लोगों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और तैरते रहे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट वहां पहुंचे और अनाउंस किया कि इस झील में तैरना सेफ नहीं है। हरे रंग के गंदे पानी का मतलब है कि ये रुका हुआ पानी है और ताजा नहीं है। इससे ताजे पानी का कोई स्रोत भी नहीं जुड़ा और अब ये शैवाल और दुनिया भर के हानिकारक बैक्टीरिया से भर चुकी है। यही बैक्टीरिया जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि ट्यूनीशिया की इस जगह पर काफी सारा फॉस्फेट भी जमा है और अगर ये सब्सटेंस टूटता या पिघलता है तो रेडियो एक्टिव निशान छोड़ सकता है, जिससे ये जहरीली हो जाएगी और जीवों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार बना देगी। लेकिन किसी ने इस बात की ज्यादा चिंता नहीं की। वे इसके आसपास आराम से घूमते रहे। रेगिस्तान में जब सूरज की गर्मी से हवा का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच जाता है, ऐसे में साइंटिस्ट की वार्निंग के बावजूद ज्यादातर लोग खुद को ठंडे पानी में कूदने से नहीं रोक पाए। खैर, ये झील अचानक से आई कहां से, इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये पानी भारी बारिश की वजह से इकट्ठा हुआ था। ये झील चट्टानों के बीच एक घाटी में है। अब यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है। कुछ जियोलॉजिस्ट को लगता है कि झील बनने के पीछे का कारण भूकंप था। हल्के भूकंप के झटकों से चट्टान टूटी और वहाँ इकट्ठा पानी छेदों से होते हुए नीचे आ गया। और अगर ये थ्योरी सही है तो झील के पानी को ये दरारों से वापस भी खींच सकता है, यानी बिल्कुल वैसे जैसे किसी पानी से भरे बाथटब से प्लग को निकाल कर पूरा पानी बाहर निकाल दिया जाए। हल्के भूकंप के झटकों ने भी ऊपर इकट्ठा पानी को छोटे छेद से बाहर निकालने में प्लग को हटाने जैसा ही काम किया। इसलिए अगर आप भी कभी इस जगह जाएं तो इस रेडियो एक्टिव लेक में कतई ना तैरें। हम कैरेबियन आइलैंड रीजन से जा रहे हैं। साफ नीले समुद्र के बीचों बीच एक अलग सी झील दिखाई देती है। ये पैराडेसिकल के किसी एक आइलैंड पर है। शायद आप लेक को तुरंत न देख पाए क्योंकि दूर से ये सॉलिड सरफेस जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पर पैर रखकर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। एक और बात कि इस लेक में पानी नहीं बल्कि लिक्विड एस्फॉल्ट यानी डामर भरा है। दुनिया में सबसे ज्यादा एस्फॉल्ट यहीं पर जमा है। ये लिक्विड बहुत गर्म रहता है, इसलिए लेक से भाप निकलती रहती है। झील की गहराई 250 फीट है, यानी एक पूरी की पूरी फ्लाइट इसमें सीधी खड़ी करके समा सकती है। झील पर पूरी तरह स्टडीज तो नहीं की गई है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इसके नीचे की जमीन की परतों में कोई फॉल्ट है। इसमें से काफी मात्रा में तेल रिसता है जो कई तरह के केमिकल कंपाउंड से गुजरता है और इसी की वजह से एस्फॉल्ट में बदल जाता है। अनुमान है कि यहाँ जमीन के अंदर करीब 1 करोड़ टन गर्म मटेरियल दबा पड़ा है। इस सिचुएशन में कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, लेकिन साइंटिस्ट ने यहाँ भी कुछ माइक्रोब्स यानी रोगाणु देखे हैं। मतलब इन्होंने यहाँ एडजस्ट करना सीख लिया है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे ग्रह के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की सतह पर भी कई हाइड्रोकार्बन झीलें हैं, और अगर धरती पर लाखों टन लिक्विड एस्फॉल्ट में भी जीव पनप सकते हैं तो उन्हें टाइटन पर पनपने से भला कौन रोक सकता है।
हम जावा के आइलैंड इंडोनेशिया जा रहे हैं। आपको आगे का नजारा देखने के लिए किसी बड़े से ज्वालामुखी पर चढ़ना होगा। ज्वालामुखी घास और पेड़ों की वजह से और ऊंचा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये शांत है, बल्कि इसके मुंह से तो धुआं निकल रहा है। जब आप इस पर चढ़ते हैं तो उबलता मैग्मा नहीं बल्कि साफ झील दिखाई देती है। नीले आकाश की परछाई इसकी चमकती हुई नीली सतह पर पड़ रही है, लेकिन इसमें कूदने की कोशिश मत करना। इस झील में पानी नहीं, एसिड भरा हुआ है। ज्वालामुखियों के अंदर भरा मलबा जमीन की परतों के नीचे गहराई से निकलता है। इस उबलते हुए लिक्विड में कई तरह के पिघले हुए केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक पदार्थ भी मिले होते हैं। झील में इन्हीं केमिकल के पार्टिकल मिले हुए हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस भी निकलती हैं। जब ये पार्टिकल केमिकल में मिल जाते हैं तो इनसे एक सुंदर फिरोजी रंग बन जाता है। अगर आप यहाँ रात में आए तो और भी बेहतर होगा। किसी किसी जगह सल्फर बहुत ज्यादा जमा होता है। जब ये लेक से बाहर आकर हवा के साथ मिलता है तो चारों ओर पटाखों की तरह फटता है और इससे नीली रोशनी निकलती है। इसे दूर से देखना सेफ है, लेकिन ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए। पास ही इसी आइलैंड पर एक और एसिड लेक भी है। ये भी हवा में सल्फर गैसेस छोड़ती है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर आसानी से जलने और चमकने लगती है, और जब ऐसा होता है तो गैसेस जलते हुए नीली चमकदार बिजली बनकर फटने लगती हैं। दिन में इन आग की लपटों को देख पाना मुश्किल है, रात में इन्हें दूर से हवा में चमकते हुए देखा जा सकता है। हमारी अगली लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया। आप ड्रोन को घने जंगल के ऊपर से शुरू करते हैं। हरे भरे घने जंगलों के बीच एक गुलाबी धब्बे जैसा कुछ चमक रहा है। ये गुलाबी धब्बा पिंक लेक है। इस बार ये खूबसूरत गुलाबी रंग आपको स्विमिंग करने से नहीं रोक पाएगा। आप यहाँ आराम फरमा सकते हैं, खूबसूरत तस्वीरें ले सकते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट अब जाकर इसके गुलाबी रंग की वजह जान पाए हैं। मेलबर्न की इस नमकीन झील के सरफेस पर जो खास तरह के शैवाल उगते हैं, वे एक लाल रंग का पिगमेंट निकालते हैं। सूरज की रोशनी, हाई टेम्परेचर और पानी की फुहारें इस झील को गुलाबी रंग में बदल देती हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसी कोई खूबसूरत घटना घटी हो, बल्कि गुलाबी झीलें दुनिया भर में मौजूद हैं। सेनेगल, बोलीविया, केनिया और भी कई देशों में ये झीलें हैं। इनका पानी भी खारा है और यहां भी लाल रंग का पिगमेंट छोड़ने वाले शैवाल हैं। चलिए हॉट बीच से निकलकर कनाडा की ठंडक के लिए उड़ान भरते हैं। यहाँ हम जमी हुई अब्राहम लेक देख सकते हैं। बर्फ पर पैर रखते ही अंदर से बर्फ के जमे हुए बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं, जो देखने में जेलीफिश जैसे लगते हैं। ये हजारों की संख्या में देखे जा सकते हैं। ये मीथेन है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। झील में घास, पत्ते, पेड़ों की टहनियां और दूसरी प्राकृतिक चीजें गिरती रहती हैं। इन्हें झील के बैक्टीरिया खा लेते हैं और वही मीथेन भी बनाते हैं। जैसे ही मीथेन जमे हुए पानी के कांटेक्ट में आती है तो ये भी गेंदों की तरह बर्फ बनकर जम जाती है। बर्फ के पिघलने पर बुलबुले फूटते हैं और आवाज करते हैं। ऐसा ही कुछ आर्कटिक महासागर के तटों पर भी देखा जा सकता है। वहाँ बुलबुले गुब्बारों से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन सेफ नहीं है, क्योंकि मीथेन हवा में मिलते ही जलने लगती है। हम अपनी जर्नी की सबसे ठंडी जगह पर हैं। ये एंटार्कटिका है, जो धरती के सबसे सूखे रेगिस्तान के पास है। सूखे से मतलब ये नहीं है कि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, बल्कि यहाँ बारिश लगभग न के बराबर होती है। ये सिर्फ रेत और कैक्टस की ही जगह नहीं है, बल्कि जहाँ कोई जीव नहीं रहता। एंटार्कटिका की कुछ जगह इसी कैटेगरी में आती है। हालांकि इस बर्फीले रेगिस्तान में आपको एक छोटी झील भी देखने को मिल जाएगी। इसकी गहराई महज कुछ ही इंच है। टेक्निकली ये एक तालाब है, लेकिन मजेदार बात यह है कि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। यहाँ का टेम्परेचर -58 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी गिर जाता है, मतलब ये तालाब जम जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल जॉन वान धरती के सबसे खारे तालाबों में से एक है, और नमक की यही मात्रा पानी को जमने नहीं देती। साइंटिस्ट इस झील पर 60 से भी ज्यादा सालों से स्टडी करते आ रहे हैं, लेकिन वे अभी तक यहाँ पानी की वजह का पता नहीं लगा पाए हैं।